नमस्कार दोस्तों, राधे किचन में आज बनने वाली है मलाई पनीर, जो हम बिल्कुल बहुत ही साधारण तरीके से बनाएंगे। किसी प्रकार का कोई खड़ा मसाला हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं। आप चाहे तो अदरक अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल एंड सोबर तरीके से हम इसे बना रहे हैं। इसके लिए मैंने करीब ये 400 ग्राम पनीर है, फ्रेश पनीर है, आप कैसा भी ले सकते हैं। एक कटोरी मैंने फ्रेश मलाई ली है, उसी के साथ हम लेंगे 3 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 8-10 दाने काजू के। इस तरीके से हम टमाटर के 4 टुकड़े कर लेंगे। इन्हें हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। इसी के साथ जो हमने काजू लिया है वो भी हम इसी में डाल रहे हैं, 2 हरी मिर्ची ली है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं, और अब हम इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस तरीके से हमें इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने सरसों का तेल लिया है, ये करीब 4 से 5 टेबलस्पून है। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, तो आप 1 टेबलस्पून सरसों का तेल और स्वाद अनुसार अपना बटर डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूं ये पेस्ट जो हमने तैयार कर रखा है पहले से ही। अब हमें इस पेस्ट को अच्छे से पकाना है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूं। टमाटरों का जो कच्चापन है वो बिल्कुल निकलना चाहिए और मसालों से भी तेल छूटना चाहिए। तो अब हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो आप मनचाहे आकार में कट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी चाहें, और अगर फ्राई करना चाहें तो फ्राई भी कर लें। मैं इस तरीके से कच्चा पनीर ही डाल रही हूं। हमने पनीर को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मसाला बिल्कुल कट हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेश मलाई है, तो इस मलाई को इसमें हम डाल देंगे, जिससे कि जो हमारे सब्जी का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और थोड़ा सा इसका क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। मैंने करीब 5 टेबलस्पून मलाई इसमें डाली है, उसी के साथ मैं इसमें ये स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर रही हूं। इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसी के साथ जो हमने पनीर कट किया है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। पनीर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे वापस से हम 1 मिनट के लिए वापस से ढक देंगे, जिससे कि जो मसाला है वो पनीर में भी अच्छे से लग जाए। गैस की फ्लेम को कर देंगे हम कम। दोस्तों, 1 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। सबसे आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती। लीजिए, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से हमने मलाई पनीर बना लिया है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं। इसे हम बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। हम इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों, बिना लहसुन प्याज की ये सब्जी आसानी से व्रत में खाई जा सकती है। किसी तरीके का कोई मसाला भी हमने नहीं डाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। खाने में बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है, उससे इसका स्वाद बढ़ गया है। काजू भी अपना टेस्ट अलग सा देगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को हमेशा की तरह अपना प्यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।